समय की बड़ी खबर धार जिले के धर्मपुरी से आ रही है। अपर जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास और 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। धर्मपुरी थाना अंतर्गत 24 मई 2018 को ग्राम माल्याबेड़ा में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी अमर सिंह की पुत्री शोच के लिए गई थी, जिससे उसका काका राकेश ने मृतक के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लिया था, जिसके बाद अपने दो भाई अमर सिंह और देवी सिंह के साथ मिलकर मृतक बिलाम सिंह के खिलाफ हत्या का षड्यंत्र रचा। मृतक बिलाम सिंह से विवाद कर उसकी पिटाई की और गला दबाकर घर से थोड़ी दूर स्थित खेत के कुएं में शव को फेंक दिया था। पुलिस ने जांच उपरांत हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी अमर सिंह, देवी सिंह और राकेश को गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जहां आरोपियों को जेल भेजा गया था। उक्त मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर ने सुनवाई करते हुए धारा 302-34 भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषी पाया गया और आरोपी अमर सिंह, देवी सिंह, राकेश को आजीवन कारावास और 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। पूरे मामले की जानकारी शासकीय लोक अभियोजक शहीद खान ने मीडिया को दी है। क्या नाम? शहीद खान, एडवोकेट। शहीद जी, मुझे बताया कि जो हत्या के मामले में 3 लोगों को सजा सुनाई गई, क्या कुछ मामला है? इसमें मामला ऐसा है कि 24/5/2018 को आरोपी अमर सिंह, देवी सिंह और राकेश ने मिलकर मृतक बिलाम सिंह पिता कैलाश की मृत्यु का रीत की थी, उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसको कुएं में फेंक दिया था। तो वो मामला जो है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री नंदेश्वर साहब के यहाँ पर धर्मपुरी में चला और माननीय न्यायालय ने जो है उनको दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा दी और 2,000 रुपये का अर्थदंड भी उनको दिया है। घटना का कारण क्या, कुछ निकल गया है? घटना का कारण कुछ ऐसा था कि जो आरोपी अमर सिंह है, उसकी पुत्री का प्रेम प्रसंग मृतक के साथ रहा था और यह सब कुछ उनके कुछ करते हुए उन लोगों ने या जो भी देख लिया था, इसलिए वो मतलब उसका विरोध कर रहे थे, यही कारण बना कि उन्होंने उसकी मृत्यु कारित की थी। दंड वगैरह भी लगाया? 2,000 रुपये का दंड किया है, अर्थदंड किया है माननीय न्यायालय ने। कितने साल की सजा सुनाई?